हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कंचन वांगन चैनल। तो आज मैं जाने वाली हूँ एक जगह, आप लोग को प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही प्यारा जगह मैं जा रही हूँ आज मैं जा रही हूँ पिलका पहाड़, जिसको पंडो नगर भी बोलते हैं। और वहाँ मैं जाने वाली हूँ राष्ट्रपति भवन, और वहाँ जो 1952 में जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वो आए थे तो वहाँ रुके थे। तो वहाँ जो पंडो जनजाति हैं उनको बसाया गया है वहाँ, तो वहीं मैं लेकर जाने वाली हूँ। और पूरे जंगली एरिया है वो, और पूरा मैं पहाड़ पर्वत मतलब सब पे चढ़ने वाली हूँ। और वहाँ छिपली पानी है, मंदिर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे को वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और जो वहाँ के कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करवाऊँगी, वहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में बताएँगे आप लोग को। तो वीडियो को एंड तक बने रहे, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें एंजल कंट्री 68 के नाम से। तो लेकर चलती हूँ मैं, और अब वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और जो नए देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और मिलती हूँ, चलिए वहाँ दिखाती हूँ आपको पहाड़ पर्वत और छिपली पानी, मंदिर, राष्ट्रपति भवन और ना जाने क्या क्या है वहाँ, मतलब सारे कुछ दिखाने वाली हूँ, रहन सहन कैसा है क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। ओके बाय। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ पंडो नगर, और क्या बोलते हैं मैं राष्ट्रपति भवन आ गई हूँ। आप लोग उधर दिखाइए पहले, ये है, अभी वहाँ चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बारे में बता दूँ, यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा है, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सरगुजा महाराजा श्री रामानुज सरण सिंह देव पंडो नगर आगमन दिनांक 22 नवम्बर 1952। मतलब कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और महाराजा जी हैं रामानुजरण जी हैं जो, सॉरी मेरे आँख में कुछ पड़ गया है इसकी वजह से मैं, तो वो क्या हो रहा था ना, हेलीकॉप्टर से मतलब ऊपर से जब जा रहे थे यहाँ से पार हो रहे थे, तो उनकी नज़र इस गांव पे पड़ी। तो वो कुछ दिन, एक दिन के लिए यहाँ पे रुके थे, स्टे किए हुए थे, तो इसलिए राष्ट्रपति भवन मतलब इनको दिया गया है, टाइटल दिया गया है इस घर को, क्योंकि यहाँ रुके थे। और जो हमारे जो राष्ट्रपति जी थे जो, उनको पूरा पंडो नगर को यहाँ पर बसाए गए हैं। तो अंदर लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोग को कि कैसे है अंदर का है, और अंदर में अगर कुछ होंगे तो यहाँ के बारे में शायद तो अच्छे से बता सकते हैं, तो उनसे मैं आप लोग को मिलवाती हूँ। ये देखिए ऐसा है, तो चलिए अंदर अंदर चलिए और अंदर मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो वाओ, ऐसा कुछ सीन है यहाँ, और यहाँ नहा रहे हैं। तो अभी ये देखिए कुछ ऐसा सीन है, यही जो दिख रही है छोटी सी झोपड़ी, वहीं पर रुके हुए थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इनसे बात कराती हूँ मैं, अगर बात करेंगे तो बात कराती हूँ कि यहाँ के बारे में अगर कुछ जानकारी अच्छा कुछ मिल जाए तो। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इनसे बात कराती हूँ। चकना ले लो, चकना। हेलो कर दो। तो अब हम लोग जा रहे हैं छिपली पानी, पिलका पहाड़ जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ में चढ़ेंगे और आप लोग देखिएगा, छिपली पानी जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिए लोग। इसका नया
शादी हुआ है, इसको बधाई दे दीजिए, बधाई शुभकामनाएं। गाइस, हम लोग आ गए हैं पहाड़, पिलका पहाड़। तो मेरे साथ में इतने सारे लोग आए हैं, ये देखिए, मेरे को घुमाने के लिए लेके आए हैं पूरा पंडो नगर मेरे को घुमाने के लिए लेके आए हैं, धन्यवाद। तो अभी देखिए पहाड़ चढ़ने वाले हैं, अभी उस पहाड़ में चढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको छिपली पानी दिखाऊंगी, और मंदिर है वहाँ पे, धाम है कुछ। छिपली पानी में कुछ रहस्य है क्या वहाँ पे छिपली पानी का नाम? और क्या है पानी में, क्या होता है उससे, पानी से कुछ है? तो अभी मैं पहाड़ में अभी चढ़ूंगी माउंटेन एकदम, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा पूरा। चला बढ़िया पिकनिक का जगह रही तो आऊं एक बार पिकनिक बनाए। बरसात समय बहुत अच्छा लगा था ना, हरा भरा अभी भी अच्छा है। तो अभी मैं पहाड़ चढ़ने वाली हूँ, इसके ऊपर जाऊंगी अभी और पूरा अंबिकापुर को देखूंगी। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं छिपली पानी में, ये देख सकते हैं पहाड़ में है, पहाड़ के अंदर गुफा टाइप का कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ है यहाँ पर सीन। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे छिपली पानी के बारे में जानते हैं कि है क्या इस चीज। कहाँ? वाओ, जय भोलेनाथ, ये रहा छिपली पानी। ये पानी के बारे में ये है कि ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसी कैसी रहता है ये। और अब अंदर से जाकर देखूं मैं, बस अंदर गुफा है, पानी तो एकदम मस्त साफ लग रहा है, पी भी सकते हैं क्या? बहुत साफ पानी दिख रहा है। और यहाँ पे शंकर जी हैं, जय भोलेनाथ। आप लोग देखिए पिलका पहाड़ जिसको बोलते हैं, यहाँ से मैं चढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ से पूरा अंबिकापुर से होगा आपको। और आप लोग देखिए शिव मंदिर है वहाँ पे, और जो पानी था उसको छिपली पानी बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, छिपली पानी बोलते हैं उसको। मैं थक गई हूँ यार, क्योंकि आप देखो पहाड़ में ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं ऊपर ऐसे। छिपली पानी को ये बोल रही थी कि वो पानी कभी कम नहीं होता है, चाहे किसी भी मौसम में हो कभी कम नहीं होता है। और यहाँ देखिए जंगल से लकड़ी लेके आ रहे हैं, हलो के ऊपर मत गिरा देना भाई, तो सूख जाएंगे ही हलो। लकड़ी लेके आ रहे हैं सब, मैं खिंचा रही हूँ। हम लोग के अलावा भी यहाँ बहुत लोग आए हैं फोटो खिंचाने, वीडियो बनाने। हम लोग जोरों शोरों से चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऊपर में जाके पार्टी होगी। तो ये है मेरे दमान जी, और झोला भर के अभी पार्टी करेंगे हम लोग। शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तो इसलिए अभी ये मेरे को झोला भर के मेरे लिए खरीदारी कर दी है, और हम सब मिल के खाएंगे हम लोग। कैसा लग रहा है, थक गई कि नहीं थकी है?
remember when I met you. Everything was so new, exciting. Like, everything was possible. Nobody would come across our road. Everything was so liberating, so great. ऐसा सीन है ऊपर चढ़ने पे, ऐसा सीन मेरे हाथ में काटा गया और ऊपर चढ़ने के बाद उस पहाड़ जो दिख रहा है, वो पहाड़ जो दिख रहा है वहाँ पे एक वाटरफॉल है और वहाँ पे चित्र घुटरा जिसको बोलते हैं कोई धाम है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो अभी मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मैं वहाँ जाने लायक नहीं हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी उधर, तो उस पार जाना होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टे करने के लिए ताकि पार्टी कर सकें बैठ के। मतलब चढ़ने में ना हालत खराब हो गई, मतलब मैं 6 मंथ से टाइफाइड के बाद डायरेक्ट अभी चढ़ रही हूँ, मैं एकदम बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं जितने भी पहाड़ जितने भी चढ़ी हूँ जितना भी गई हूँ, ये पहला मैं देख रही हूँ जहाँ नेटवर्क फुल नेटवर्क है। बहुत जगह वाटरफॉल्स में गई हूँ वहाँ नेटवर्क एक भी नहीं रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो फुल नेटवर्क है, पूरा जियो का नेटवर्क एकदम बहुत ज़्यादा है। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पहाड़ पे और अभी सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये रही, यहाँ से पूरा व्यूज दिखाई देता है, आप लोग देखिए पूरा व्यूज जैसे कि ऑक्सीजन पार्क है अंबिकापुर का, ऑक्सीजन पार्क वैसा ही यहाँ पे है जैसे ऑक्सीजन पार्क से पूरा आपको अंबिकापुर का सिटी दिखाई देता है, लेकिन इस पहाड़ से पिलका पहाड़ से पूरा आपको अंबिकापुर का पूरा गाँव दिखाई देगा। तो इसको पिलका पहाड़ जिसको पंडो नगर बोलते हैं और ये सूरजपुर जिले में आता है, पंडो नगर अजम नगर के पास। तो और इसको जो हमारे राष्ट्रपति जी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको पंडो नगर पंडो लोग को यहाँ बसाया गया था जिसको बोलते हैं इनके जनजाति के ऊपर ही पंडो नगर बोलते हैं इस जगह को। तो अभी ये मेरे को पूरे जो ये फैमिली है एक ही फैमिली है मेरे को घुमाने के लेकर लेकर आए हैं, तो थैंक यू सो मच इनको। तो आप देख सकते हैं इतने सारे लोग मेरे को ऑटो में बैठा के घुमाने के लिए लेकर आए हैं। गिर जाएगी इधर आ, उड़ जाएगी हवा के साथ में तितली जैसे। तो इतना ब्यूटीफुल एरिया है ये, आप देख सकते हैं, आप लोग भी आइए प्लीज़। लेकिन पहाड़ को चढ़ कर आना पड़ेगा आपको इस चट्टान पे, ऊपर में एकदम समतल है ऐसे। तो फोटो सेशन कराते हैं उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कुछ और सीन। तो जो नए देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार। तो हमारे सूरजपुर ज़िला में जिसको राष्ट्रपति भवन, सुनने पे भी लग रहा था कि राष्ट्रपति भवन लाइक राष्ट्रपति भवन मतलब सबके दिमाग में आएगा दिल्ली वाला, लेकिन सूरजपुर में भी एक राष्ट्रपति भवन है। तो आप लोग देखे होंगे वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, ये मेरे को वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये लोग यहीं के हैं, तीन लोग बताएंगे यहाँ के बारे में, तो इन लोग से मैं बात कराती हूँ अभी। गाइस हम लोग पहाड़ से उतर चुके हैं, पीछे देख रहे हैं पहाड़ वहीं चढ़े थे, पूरा ऊपर पे चढ़े थे। और ये मेरी बहन है, बताएगी कैसा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये तो रोज चढ़ती है और यहाँ से लकड़ी लेती है अपने घर के लिए, पहाड़ ये रोज चढ़ती है तो इसका आदत हो गया है। मैं तो इतने दिन बाद चढ़ी हूँ, हम लोग कुदरगढ़ जाते हैं तो चढ़ाई करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इसका रिजल्ट मेरे को कल सुबह पता चलेगा। हे गाइस कैसी लगी आप लोग की ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और जब पिलका पहाड़ गई थी मैं वहाँ, आपको पता है कुछ बताई वहाँ, मैं वो लोगों से नहीं मिल पाई मैं। पहाड़ जो चढ़ी थी मतलब पहाड़ चढ़ने के बाद जब नीचे उतरी तो शाम अंधेरे हो गई थी और लोग नहीं मिल पाए मेरे को बात करने के लिए। तो अगर बात भी करती वहाँ तो कुछ मतलब शर्मा रहे थे, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ वातावरण जो था, और जिसको बोलते हैं पिलका पहाड़, आप लोग पिलका पहाड़ के दिखाई, उसके बाद मैं राष्ट्रपति भवन दिखाई, उसके बाद मैं दिखाई शंकर जी का मंदिर जहाँ पे छिपली पानी है, वो पानी हमेशा मतलब 12 माह पूरा मतलब कभी कम नहीं होता वह पानी, और मैं पानी भी पी, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पानी, एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन पानी था वहाँ का। तो
बस ये आप लोग भी प्लीज़ आइए, इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि लोग नहीं पता नहीं जानते हैं वहाँ के बारे में कि राष्ट्रपति भवन भी है वहाँ हमारे सूरजपुर ज़िला में। ताकि लोगों को वीडियो को शेयर करिए और आप लोग भी प्लीज़ आइए फैमिली के साथ और इन्जॉय करिए इस वीडियो के साथ इन्जॉय करिए, और आप लोग भी आइए ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और आप लोग को कुछ नॉलेज वीडियो और मतलब कुछ नॉलेज वीडियो मिल सके। तो प्लीज़ अभी मैं हो गया चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलती हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बात करती हूँ। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए angelkanchu68 के नाम से, मैं आप लोग की बातें वहीं करती हूँ। अभी बहुत लोग मेरे मैसेज कर रहे हैं कमेंट में, अच्छे से बात नहीं हो पाता है, कुछ जानकारी या किसी को लेनी होती है, जैसे अभी मिसेज कॉम्पिटिशन जो हुई और ब्राइडल शो हुई, उसकी कुछ कमेंट में कुछ पूछ रहे हैं मुझसे, कैसे होता है ये फंक्शन शो, कैसा होता है, कैसा फॉर्म भरना पड़ता है। तो प्लीज़ ये सब अगर जानकारी लेना है और भी कुछ मुझसे कुछ पूछना है, बातें करना है, तो इंस्टाग्राम में प्लीज़ आ जाइए, वहाँ मैं आप लोग के बातों का जवाब दूंगी। अगर मुझे नहीं भी पता होगा फिर भी मैं लोगों से पता करके मैं आप लोग को बताऊँगी। तो प्लीज़ जो नए देखने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ओके टाटा बाय बाय।